अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई है। सबको ये याद दिन होगा क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। माँ का दिन है। माँ बोलने में ही कितना सुकून मिलता है ना। माँ जो है, माँ होती ही ऐसी है। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हर कोई इस दुनिया में बेवफा हो सकता है, लेकिन वाहिद माँ है जो हमेशा वफादार रहती है अपने बच्चों के लिए। खासकर माँ ही है जिससे हम दिल से बात कर सकते हैं, अपना राजदार बना सकते हैं। माँ ही वो हंसती है जो हमें 9 महीने पेट में रखकर जन्म देती है और पालने में इतनी मेहनत, इतनी मुसीबत का सामना करती है कि अपने हर एक दुख दर्द भूल जाती है। वो माँ है। अपना दुख दर्द देखती ही नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने तो इतना बड़ा बुलंद दर्जा दिया है माँ के लिए कि माँ के पैरों तले जन्नत है। माँ के पैरों तले जन्नत है। जितनी हो सके माँ की खिदमत करो, जितनी हो सके माँ की खिदमत करो, माँ का एहतराम करो, माँ से मोहब्बत करो, माँ का दिल कभी ना दुखाओ, माँ के दिल को खुश रखो, माँ की आँखों में कभी आंसू ना आने दो, कभी भी उनकी आंखों में आंसू ना आने दो। माँ के ऊपर चंद अशआर लिखे हैं, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा नहीं कर सकती माँ। मैं जब तक घर ना लौटूं, मेरी माँ कुछ खाती ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश है मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्ची हो जाऊं। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया वो दुपट्टा अपना, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। कैसी होती है ना माँ, बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। न जाने कितने ही झूठ कह देती है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने बच्चों की गलतियों को छुपाने के लिए कितने ही दुख। तो माँ की खिदमत करो, माँ का एहतराम करो, माँ को हमेशा खुश रखो, तब जाके अल्लाह खुश है, तब जाके अल्लाह खुश है आपसे। शुक्रिया।